आपका नाटक बहुत अच्छा, उसे कीमती चीज क्या कोई चीज किया कुछ ना, उसे कीमती चीज कुछ भी नहीं है। एक वोट कर सबसे बड़ी बात दे चले उतरा तो हमारा समझ के दा पानी में मत जा, वो ना देश के प्रतिनिधि में हमारी आने वाली जो समय है हमारी हिस्सेदारी वहाँ उसके बारे में बच्चे होशियार होते जाएंगे। और सबसे बड़ी शिक्षा है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। इसी बड़ी आजादी तो हम कहना चाहते हैं, पहले के जमाना जो बाबा साहब ने अधिकार दिया जिस अधिकार पर हम सोच रहे हैं या हमें चला रहे हैं, उस अधिकार पर हमें चलना बहुत जरूरी है। जो सोए लोग हैं उनको ये नाटक द्वारा जो है जगाया जा रहा है और उस नाटक को आगे बढ़ावे। और दहेज प्रथा जो मांग रहे हैं तो भिखारी का काम हो गया जो मांगते हैं। आजकल जो दहेज है हटाया जा रहा है और गरीब अमीर सब एक बन करके शादी विवाह करें। हमारे में जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा ध्यान है कि जो हमारे लोग हैं कम से कम एकता होना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ावें, लड़की लड़का को पढ़ावें। और जो शादी कर रहे हैं मांग जांच वाली शादी वहां न करें तो अच्छी बात है। गुड, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस नाटक द्वारा अपने मन की बात अपने मन में रख करके और सबको बताया जा और सबको उस रास्ते से चलाया जा, सबको सीख दिया जा कि सबको समझ आ जा। तो हम तो यही चाहते हैं और यही हमारे दिल के अंदर भी सोच है। हम भी चार बच्चों की शादी किए लेकिन मांग वाले की यहाँ नहीं किए, ना हम मांगे। एक ही लड़की थी वहाँ भी हमने जो हमारे पास सपरा वो दे दिए लेकिन मांग वाली पर हम शादी नहीं किया। तो यही हमारी सोच है कि आप लोग भी दहेज प्रथा से बचे और अब जो अपना जो कदम है जो नाटक द्वारा आपको सीख मिली है उसको आगे बढ़ावें, बड़ी कृपा होगी। तो इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा यही कहना है कि जो नाटक द्वारा सीख बनी है उसको जीवन में आत्मार्पित भी करना है कि नहीं करना है? नहीं, जीवन में तो बहुत जरूरी करना है। तो हम तो यही बताएंगे कि मतलब नाटक द्वारा जो आपको सीख मिला है उसको आगे भी बढ़ाना है और उस पर चलना भी है, उसको ग्रहण करना है। आपको ग्रहण करना भी है। आपके तरफ से कोई पहल होगी गांव के लिए, गांव में किसी को आप कन्विंस करेंगे? नहीं नहीं, गांव में भी अगर एकता रहेगी और गांव के तरफ से भी हम सोच रहे हैं कि ये बात समझ में आई होगी और इस रास्ते से चलें।